रद्द देने की मांग की लक्सर क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े ग्राम प्रधानों ने प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और आर्थिक मदद देने की मांग की। कई ग्राम प्रधान इकट्ठा होकर SDM गोपाल राम बिनवाल से मिलने और अवगत कराया कि कई गांवों में अभी तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है। राशन न मिलने से ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। फसलें और खेत जलमग्न होने के बाद पशुओं को चारा तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रधानों ने SDM से मांग की है कि तत्काल ग्रामीणों के लिए राशन और पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए। टूटी हुई सड़कों की 10 दिन से मैं कुत्ते की तरह भोग रहा हूँ। मेरी पंचायत में पानी आ गया लोगों के घरों में, लोग बड़े परेशान हैं। ना उनके पास राशन किट है, कुछ नहीं है, पूरी खेती तबाह हो चुकी है। लेखपाल को बार बार फोन कर रहा हूँ लेकिन लेखपाल का उत्तर जो सही नहीं मिल रहा। लेखपाल जाता है गांव में, एक दो घरों में बैठ गए। संगठन की अपनी मीटिंग हुई, रणधीर एसडीएम साहब के पास मिलना है। जो दैवीय आपदा से हमारे इलाके में नुकसान हुआ, हमने एसडीएम साहब से अपनी बात रखी कि पूरे लक्सर ब्लॉक को दैवीय आपदा से घोषित किया जाए। बाढ़ग्रस्त में जितने किसानों का नुकसान हुआ, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ग्राम प्रधान संगठन की एक बैठक हुई है, उसमें हमने निर्णय लिया है क्योंकि भारी वर्षा के कारण लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से पशुओं का चारा खराब हो गया, लोगों की खेती खराब हो गई और राशन नहीं मिल पा रहा लोगों को। कई मुख्य चीजें थी, उसके संबंध में हम SDM साहब से मिले हैं और अपनी समस्याएं रखी हैं। और हमारा मानना यह है कि कम से कम हम तो इस ये आपदा है, इस आपदा को ना तो कोई नेता रोक सकता है ना कोई अधिकारी रोक सकता है, लेकिन जो इस आपदा से लोगों को परेशानी हुई है, अगर हम सब मिलकर और अधिकारी खड़े हों तो उस परेशानी को कम किया जा सकता है। आज मेरे पास कुछ ग्राम प्रधान संगठन के और कुछ ग्राम प्रधान यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उनके ये मांग थी कि गांव में लेखपाल सभी जगह नहीं पहुँचा है, उसके लिए टीम बनाई गई है। टीम के द्वारा सर्वे कराया जाएगा, सर्वे के आधार पर जो पात्र व्यक्ति मिलेगा उसको ही मुआवजा वितरण किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा अपात्र व्यक्तियों को भी मुआवजा देने के लिए दिए जाने के लिए लेखपालों पर जो कर्मचारी टीम है उसमें दबाव बनाया जा रहा है। पात्र व्यक्ति को ही मुआवजा वितरण किया जाएगा, इसके लिए लेखपालों को निर्देशित किया गया है। और कहीं पर अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटता है, किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो सक्षम अधिकारी के स्तर से उसमें जांच कराई जाएगी और सभी जो पात्र व्यक्ति है किसी को भी मुआवजे से और किसी भी प्रकार का जो लाभ देय होना है आपदा के तहत उसे वंचित नहीं किया जाएगा।